IITians के बारे में आपने सुनाई है, अब उनके स्टूडेंट्स की कामयाबी सुनिए। Myself Kulsumati, I am Shahzeen Sayed Hussain. Myself Anchal Gupta. Myself Hasib Atik, I am Sheikh Saleha. I Sheikh Abdin. Currently first year MBBS student at KIIM Hospital. I scored 651 marks in NEET 2023. Currently I am first year MBBS student at GMC Mumbai JJ Hospital. I scored 612 marks in my NEET UG 2023 exam in my first attempt. Cracked NEET 2022 in first attempt with a score of 607. Currently doing second year MBBS at Shivaji Hospital Kalwa. Currently I am second year MBBS student Shivaji Hospital Kalwa. NEET Advanced 2022 bhi crack kiya hai, jiske basis pe abhi main IIT Kharagpur first year engineering mein hu. मामूली विवाद के चलते गोवंडी में कम उम्र के लड़कों के साथ स्थानीय दबंग गुंडों ने की खूनी मारपीट, पुलिस ने किया हत्या के प्रयास का मामला दर्ज। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गोवंडी के शिवाजी नगर परिसर में एक वारदात घटी है 16 अप्रैल मंगलवार को। यहां पर शहजान शेख और उसका दोस्त है यश और अफ़ान, इनके साथ स्थानीय गुंडों ने, जो कि प्लॉट नंबर 8 के पास रहते हैं, शहजान शेख प्लॉट नंबर 26 के पास रहता है, रोड नंबर 1 के पास, दोस्त का झगड़ा कुछ दिन पहले हुआ था, वो छुड़ाने शहजान गया और उसी बात का गुस्सा ध्यान में रखते हुए 15 तारीख को पहले मारपीट हुई हल्की फुल्की और उसके बाद जो है फिर 16 तारीख को शहजान को बुरी तरह से मारा गया। इतना ही नहीं, रस्सी से उसका गला घोंटने की कोशिश भी की गई, उसकी मदद करने आए दोस्तों के साथ में भी मारपीट की गई। किस तरह से पूरी घटना घटी है, क्या जानकारी दी है शहजान ने और उसके दोस्तों ने, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इस मामले में शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में धारा 307 रॉयटिंग के अलग अलग सेक्शंस लगाते हुए, धाराएं लगाते हुए पुलिस ने कुल 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यहां पर प्लॉट नंबर 28 के पास रहने वाले कुरैशी परिवार के कुछ युवक हैं, शाहनवाज कुरैशी, आमीन कुरैशी, रईस है, फैसल उर्फ शेरू और उनके अन्य कई साथी है, तो उन पर ये मारपीट का और खूनी हमले का आरोप लगा है। जिस तरह से शहजान को और अन्य उसके दोस्तों के साथ मारपीट की गई है वो बेहद क्रूरतापूर्वक और बेहद ही निर्ममता से की गई है। शहजान, ये जो तुमको चोट आई है, ये किस जगह आपका विवाद हुआ था, उस जगह का नाम क्या है? दुर्गा शिवासन 8 नंबर। 8 नंबर। तो ये जो विवाद हुआ, ये कब से चल रहा था और फिर कल आपके साथ में इतना बड़ा हादसा कैसा हो गया? 2 दिन पहले से चल रहा था। 2 दिन पहले से। कल मेरे को सब खत्म करने बुलाया। क्या विवाद था? 2 दिन पहले झगड़ा मेरे दोस्त का था, मेरे दोस्त के साथ था। क्या नाम है दोस्त का? मेरे दोस्त का नाम उसके साथ था 17 नंबर प्लॉट में। लोग की आपस में गिरती हुई, लोग की मारम मारी हुई, तो उस समय एक जन ने अफान करके मेरे को यहाँ पे बम घुमाया। खत्म हुआ कल रात में, वो अफान ने मेरे को बुलाया था खत्म करने। किधर पे बुलाया? 8 नंबर में दुर्गा। अच्छा। साढ़े दस बजे के टाइम रात में, तो मैं वो सब खत्म करने बुलाया, तो मैं उधर आया तो मेरे को मारना चालू किया। तब मारते मारते मेरे को अंदर लेके गए। मारने में कितने लोग थे? 8 से 10 जन थे। एक का नाम फैजान है, एक का नाम रईस है, एक का नाम आमीन है, एक का नाम मोहित होगा, एक का नाम शेरू है, एक का नाम फैजान है और एक का नाम फरहान और एक नाना है। ये 8 नंबर में ही मारे या 8 नंबर से मारते हुए कहीं लेके गए? 8 नंबर से मारते हुए अंदर खाड़ी में लेके गए, फिर मेरे को वापस गले पे फांसी दे। खाड़ी में किस जगह रखे थे? अंदर 8 नंबर के अंदर खाड़ी, उधर लेके गए। और खाड़ी में मतलब वहाँ रास्ते पे ही ले जाके रखे थे या कहीं बंद किए थे? मदरसे के बाजू में मुझको पकड़ के रखे थे लोग। तो काय काय से मारे उन लोगों ने? छुरी से मारे। किसने मारा छुरी से? आमीन ने मारा। पन से किसने मारा? नाना ने मारा। और गले में फंदा किसने डाला था? मोहसिन ने और शेरू ने। तो ये गले में फंदा डाल के लटका दिए थे या खाली खींच रहे थे? फांसी दे रहे थे। तो फिर कैसे छोड़े उन लोगों ने आपको? पब्लिक आना चालू किए तो लोग डर के भाग गए, उनको छोड़ के 2 घंटा में वो वहीं पे अंदर बिठा के रखे। तुम्हारे साथ में और कितने लोग को मारा गया? 4 जन को मारा गया, जो जो मेरे को बचाने आ रहे थे सबको मार रहे थे। तो पहले कौन आया जब मालूम पड़ा तो आपको बचाने?
क्या नाम है? एक का नाम वसीम और एक का नाम मेहमद। मैं वसीम। वसीम भाई आप? तो वसीम भाई आप छुड़ाने गए तो क्या हुआ उधर, क्या देखे आपने? वहाँ से बाइक लेके जा रहा था उस रस्ते से, तो मैं उस जगह पर हॉर्न बजाया तो मेरी बाइक को लोग ने पहला बांबू से मारे, तो मेरी बाइक डैमेज हुई। तो मेरे को ये नहीं पता था कि वहाँ पर ये ही इसको मार रहे थे, तो मैं गया बोलने के लिए, मेरा बैंड हुआ आगे का, तो देखा तो इसको मार रहे थे। तो मैं इसको छुड़ाने के लिए गया, छुड़ाने गया तो उन लोग ने मेरा कॉलर पकड़े और मेरे को भी अंदर लेके जाने लगे। फिर मेरा एक फ्रेंड था मेरे साथ में, तो वो भागते मेरे को छुड़ाने, तो हम लोग दोनों को साथ में अंदर मारते निकले, मारते हुए लेके। तुमको किधर किधर लगा? मेरे को इधर पे लगा और सर पे बम्बू लगा, मुक्का मारे। हाँ। और कौन था तुम्हारे साथ? मैं था मेरा नाम शाहिद है। मेरे को इसने फ़ोन किया कि मेरे को बोला भाई मेरे को मार रहे हैं, मेरे को घेर के रखे, वो बिठा के रखी बैठ में। तो मैं उधर गया, मैं उधर जैसे पहुंचा उधर पे नाना और रईस करके दो जन खड़े थे। तो उन लोगों को मैं बोला मिला भाई ये मेरा छोटा भाई है, तुम क्यों मारे? बोले तू उसका बड़ा भाई है ना, तो तेरे को भी मारे। तो मेरे को कुछ 15-20 लोग मारे, लेकिन मैं सिर्फ 3 जन का नाम जानता हूँ उसमें, नाना रईस और शेरू, मैं सिर्फ लोग तीनों को ही जानता हूँ, बाकी मेरे को मारे 15-20 लोग ने। हम लोग को मारते मारते वो गली के कोने तक का लेके जा रहे थे, वहाँ से भी पब्लिक आई तो हम लोग को छोड़ दी। ये 15-20 में से मेन विवाद किससे था, मुख्य आरोपी कौन कौन थे? फैज, फैजान, आमिन और ये शेरू, नाना, रईस। फिर आप लोग यहाँ पुलिस चौकी कितने बजे आए? साढ़े बारह बजे। तो पुलिस चौकी में क्या हुआ? मेडिकल कराने। भाई जब आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमजान शेख है। मुझे पता चला कि मेरे भतीजे को किसी ने मारा है, तो मैं दौड़ के भागते गया, जाके देख रहा हूँ कि मेरे भतीजे और इसके साथ वाला अहमद लड़का, उसको ज़्यादा चोट आई है, उसके सर पे ब्लड पूरा ऐसा निकल रहा था कि रुक नहीं रहा था। उसको जैसे तैसे लेके सरकारी हॉस्पिटल लेके पहुँचे, तो उसके ब्लड का सर पे टाँका लगा। कितने टाँके आए उसको? उसको कम से कम 3 से लेके 5 तक ऐसे आए। अच्छा। हाँ, तो इतने में उसको मेरे भतीजे को मैं देखने गया, तो इससे पता चला कि इन लोग बेचारे वहाँ से गुजर रहे थे, तो गर्दी देख के रुकी, तो इनके बाइक पे हमला किया गया, हॉर्न मारने से इनके बाइक पे हमला किया गया। तो ये बोले क्या हुआ भाई, इसका लफड़ा तो देखे ये कोई इसका इनके पहचान वाला उतरे, वैसे इनको भी बोला साथ में मारने वाया करके, इसको बोले ये बच्चा नहीं आया उसको छोड़ के बोले इसको। ठीक है, ये सब होने के बाद में आप पुलिस चौकी आए, तो पुलिस चौकी में क्या हुआ? पुलिस चौकी में आए तो पुलिस चौकी में हमने FIR लिखने की कोशिश की, अभी पुलिस वाले हमारा FIR तो लिए हैं, उसके बाद कानूनी कार्रवाई क्या करेंगे अभी पता नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा ताकतवर है, उनका ऐसा है कि उनके एरिए में लोगों की दहशत है। और तो किस चीज़ की दहशत है और क्या ताकतवर है? मतलब ताकत ये है कि वो वहाँ के गुंडागर्दी करते हैं, वहाँ पर गैर कानूनी काम करते हैं, जैसे MD चरस उनका नशे का कारोबार करते हैं, बेचते हैं और घर कब्जा करते, जगह कब्जा, लैंड माफिया है, लैंड माफिया जैसे उनके काम चलते हैं। और पुलिस चौकी में भी उनकी अच्छी ताकत है, पहचान है, और वो चाहते हैं कि हमारा नाम इस केस से हट जाए, उन लोग अपनी सारी ताकत लगा रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका क्या कसूर? तो अभी ये जो कल FIR हुआ है, हाँ। इसमें उन लोगों के नाम है क्या? नाम तो सारे के दिए गए हैं और सब कड़ी पा रहे हैं, कोई जगह पे नहीं है और सब मतलब यही सब बोल रहे हैं फरार है, हमारा कुछ लेन देन नहीं है इस केस से। तो बच्चों को उन्होंने ही मारा है, मेरी यही शिकायत है कि उनको पकड़ के ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर केस FIR हो और उनको अच्छे से अच्छी सजा दीजिए।